जिंदगी का सफर सुहाना हो इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा के आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है और आज की ये खबर फर्जी सिम से जुड़ी हुई है, जिसके जरिए साइबर क्राइम का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है। फर्जी सिम की वजह से अपराधियों का पता नहीं चल पाता और उन्हें पकड़ने में पुलिस को मुश्किल आती है। हालांकि सिम कार्ड लेने के नियम सख्त कर दिए गए हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि अपराधी भी फर्जी सिम हासिल करने के लिए नए नए तरीके इजाद कर रहे हैं। आपकी आईडी यानी कि आपकी पहचान कहीं साइबर क्रिमिनल्स के लिए वरदान ना बन जाए, इस बात का ध्यान रखना जरूरी है, इसलिए हॉर्न बजाना भी जरूरी है। एक फोन आता है, फोन करने वाला घर बैठे लाखों की कमाई का जबरदस्त ऑफर देता है, या फिर ये कहते हुए डराता है कि आपका एटीएम या क्रेडिट कार्ड ब्लॉक होने वाला है। इसके बाद फोन पर एक लिंक आता है जिसे क्लिक करते ही खेल हो जाता है, खाते में रखी रकम हवा हो जाती है। मामला पुलिस के पास जाता है लेकिन पता चलता है कि जिस नंबर से फोन आया था वो फर्जी है, यानी सिम किसी और के नाम का है, गुनाह किसी और ने किया है। ज्यादातर मामलों में साइबर ठगी फर्जी सिम के जरिए ही अंजाम दी जाती है और इसीलिए साइबर क्रिमिनल को पकड़ना मुश्किल हो जाता है। हैरत की बात नहीं कि जिस तेजी से साइबर क्राइम बढ़ रहा है उसी रफ्तार से फर्जी सिम मुहैया कराने का गोरख धंधा भी परवान चढ़ रहा है। हालांकि पुलिस मुस्तैद है और कुछ दिन पहले दिल्ली के करीब गुरुग्राम में पुलिस ने फर्जी सिम मुहैया कराने वाले एक बड़े गैंग को धर दबोचा। अगर साइबर क्राइम से बचना है तो फर्जी सिम के गैर कानूनी धंधे को समझना जरूरी है, हॉर्न बजाना जरूरी है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि गुरुग्राम में फर्जी सिम का धंधा कैसे फल फूल रहा था। पुलिस के मुताबिक साइबर क्राइम से जुड़े आरोपी मजदूर वर्ग के लोगों को लालच देते थे। वो मजदूरों से आधार कार्ड या राशन कार्ड लेते थे और एवज में 1,000-2,000 रुपए दिए जाते थे। इस तरह असली आईडी पर फर्जी सिम हासिल करके उनका इस्तेमाल साइबर क्राइम में किया जा रहा था। किसी का आधार कार्ड मॉर्फ करके गलत आधार कार्ड पे सिम जारी करवा लेना, या मान लीजिए कोई जेन्युइन व्यक्ति अपना सिम खरीदने जा रहा है, अगर आपको बायोमेट्रिक लगाना पड़ता है तो एक बार की बजाय दो बार बायोमेट्रिक लगवा के सिम निकलवा लेना, या किसी मजदूर वर्ग के व्यक्ति इसका आधार कार्ड या कोई भी आईडी प्रूफ जेन्युइन है उस पे सिम जारी करवा के उससे सिम खरीद लेना और उसको आगे बेच देना। ये कुछ आम व्यक्ति होते हैं जो कुछ कम अमाउंट के प्रलोभन के कारण इस तरह के अपराध में जुड़ जाते हैं और उनको लगता है कि मतलब दिस इज अ वे ऑफ गेटिंग क्विक मनी, जो इजी मनी जिसे कहते हैं, कि भाई आपको 100-200 रुपए का सिम अगर खरीदना पड़ेगा और किसी अपराधी को आगे बेचेंगे तो 1,000 रुपए का बिक जाएगा, 2,000 रुपए का बिक जाएगा। इस तरह के जो लोग हैं वो इस कारोबार में जुड़ जाते हैं। असल में गुरुग्राम पुलिस को टेलीकॉम कंपनियों से पता चला कि खास इलाके में जरूरत से ज्यादा सिम कार्ड की बिक्री हो रही है। पुलिस ने जांच की तो पता चला कि कुछ लोग दूसरों की आईडी प्रूफ से सिम खरीद रहे हैं और उसका इस्तेमाल अपराध के लिए किया जा रहा है। जिनके नाम पर सिम लिया गया था पुलिस पहले उनके पास पहुंची और उसके बाद 76 आरोपियों को धर दबोचा। आगे वो जिसको बेचते हैं हम ना सिर्फ उसको पकड़ते हैं बट आगे जिसको बेचा जा रहा है, क्योंकि असली उपभोक्ता तो उस अपराध का वो है, तो हम उस पर भी पूरी मतलब प्रहार करते हैं, पूरा चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि वो अपराध को आगे ना ले जा पाए। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहूंगा कि कुछ ऐसे टेलीग्राम ग्रुप वगैरह या ऐसे कुछ ग्रुप बने होते हैं, हम उनमें भी जाकर चेक करते हैं कि भाई ऐसे कौन लोग हैं जो इसको ऑर्गेनाइज्ड स्केल पे चला रहे हैं। इस तरह दूसरों की आईडी से 100-200 रुपए में सिम लेकर लाखों करोड़ों की ठगी को अंजाम दिया जाता है। ठगी को अंजाम देने के बाद अपराधी पुलिस की पकड़ में भी नहीं आते। गुरुग्राम पुलिस ने टेलीकॉम कंपनियों से मिलकर हजारों ऐसे फर्जी सिम कार्ड को ब्लॉक करवाया जिसका इस्तेमाल साइबर क्रिमिनल कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक मुमकिन है कि ऐसे कई सिम का इस्तेमाल जामताड़ा या मेवात इलाकों में एक्टिव साइबर अपराधियों द्वारा भी किया गया हो। सूचना का प्रयोग करते हुए, टेक्निकल इंटेलिजेंस का प्रयोग करते हुए हम उन अपराधियों तक भी पहुंचे जो इस सिम को इस्तेमाल करके अपराध करना चाह रहे थे और हमने उनको भी पकड़ा। फर्जी सिम और साइबर क्राइम के खिलाफ गुरुग्राम पुलिस का अभियान जारी है। देश के दूसरे राज्यों और इलाकों में भी पुलिस की नजर सिम के गोरख धंधे पर है, क्योंकि साइबर क्राइम का ग्राफ बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है।
एनसीआरबी के नए आंकड़ों के मुताबिक साल 2022 में साइबर क्राइम के 65,893 मामले देश भर में दर्ज किए गए, जबकि साल 2021 में 52,974 मामले दर्ज किए गए थे। इस तरह एक साल के दौरान साइबर अपराध में 24.4% की वृद्धि हुई है। इनमें करीब 65% यानी 42,710 मामले धोखाधड़ी के हैं, जबकि 3,648 मामले जबरन उगाही के हैं। दिल्ली में साइबर अपराध के मामले 2021 में 345 की तुलना में 2022 में 685 यानी दोगुने हो गए हैं, जबकि मुंबई में 64% की बढ़ोतरी हुई है। 2021 में साइबर क्राइम के 2,883 मामले दर्ज हुए थे, जबकि 2022 में आंकड़ा 4,724 हो गया। कहने की जरूरत नहीं कि अब साइबर क्राइम बड़ी चुनौती बन चुका है, जिससे निपटने के लिए पुलिस पूरी ताकत से जुटी है। सरकार ने भी जरूरी कदम उठाए हैं, जैसे अब सिम कार्ड बेचने वाले सभी डीलरों का रजिस्ट्रेशन और पुलिस वेरिफिकेशन जरूरी है। थोक में सिम कार्ड बेचने पर 10 लाख रुपए का जुर्माना और जेल की सजा हो सकती है। इसके अलावा एक आईडी कार्ड पर सीमित संख्या में ही सिम कार्ड जारी होंगे और नए साल से सिम खरीदने पर सिर्फ डिजिटल केवाईसी होगी। उम्मीद की जा सकती है कि ऐसे सख्त नियमों से फर्जी सिम पर लगाम लगेगी, फिर भी जरूरी है कि आप अपने आसपास हो रहे फर्जी सिम के गोरख धंधे को लेकर सावधान रहें और हॉर्न बजाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। फर्जी सिम से साइबर क्राइम को कैसे अंजाम दिया जाता है और इसे रोकने का तरीका क्या है, ये बता रहे हैं साइबर एक्सपर्ट अमित दुबे। भी साइबर क्राइम बिना इन दो चीजों के नहीं हो सकता। क्रिमिनल को चाहिए होता है एक सिम कार्ड और दूसरा बैंक अकाउंट, और ये दोनों चीजें बिना केवाईसी के नहीं मिल सकती। इसके बावजूद जब कोई क्राइम होता है और हम इन्वेस्टिगेट करते हैं तो पता पड़ता है कि व्यक्ति का जो सिम कार्ड है वो एनोनिमस है, वो किसी ऐसे के नाम पर जिसको पता ही नहीं कि उसके नाम पर कोई सिम कार्ड चल रहा है। बैंक अकाउंट किसी ऐसे के नाम पर है जिसको पता ही नहीं कि उसके नाम पर बैंक अकाउंट चल रहा है। तो ऐसा कैसे होता है, और हजारों लाखों की संख्या। और इसी परिपेक्ष से ये इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और पता पड़ा कि लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में बैंक अकाउंट और सिम कार्ड इश्यू हो रहे हैं और इन क्रिमिनल्स को सप्लाई हो रहे हैं, और ये पूरा ऑर्गेनाइज रैकेट है। कई सारे तरीके हैं। एक तो ये ल्योर करते हैं मजदूरों को, जो भी माइग्रेटेड मजदूर हैं, कि आप सिम कार्ड दीजिए, 1,000 रुपये ले जाइए, ये सिम कार्ड आधार कार्ड दिखा के 100-200 रुपये में मिल जाता है। उसके बाद मजदूर उसको 1,000 रुपये में बेच देता है, और क्रिमिनल जब अपना काम कर लेता है 2 हफ्ते के बाद सिम कार्ड बंद भी कर देता है। तो इस तरीके से ये रैकेट चलता रहता है। बिना पर्सनल आइडेंटिफिकेशन प्रूफ हुए हमें वेरीफाई करने का सिस्टम होना चाहिए कि इस बैंक अकाउंट से लिंक जो नंबर है या जो व्यक्ति है वो वही है या नहीं, और ये पॉसिबिलिटीज है, टेक्नोलॉजिकली ये पॉसिबल है। तो मेरे ख्याल से सरकार को इस डायरेक्शन में इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस स्टार्ट करने होंगे, थोड़ा बैंक्स को अपडेट करना होगा, और सेम चीज आपको टेलीकॉम ऑपरेटर को करनी होगी, क्योंकि वहां पर भी जो केवाईसी के फ्लॉ है उसी की वजह से ये सारे कांड हो रहे हैं। जब तक ये फ्रेमवर्क नहीं इम्प्लीमेंट होगा, ये साइबर क्राइम रोकना बहुत मुश्किल है।